Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार पेश करता है एक खास प्रोग्राम ट्रिब्यूट मलिक तरन्नुम नूर जहां, पेशकश नीलू प्रेमचंदानी, प्रोग्राम एडिटर हसन अली, बैकग्राउंड म्यूजिक श्री परीक्षित महाराज। मेरी आवाज की दुनिया के मेरे अजीज दोस्तों, हम जिसे अपनी सकाफत का निशान कहते हैं, फन की दुनिया में उसे नूरजहां कहते हैं। दोस्तों, आज 21 सितंबर, 21 सितंबर बहुत ही खास दिन, क्योंकि आज, जी हां दोस्तों, आज बला की खूबसूरती और गजब की सुरीली आवाज का मनमोहक संगम मानी जाने वाली पाकिस्तानी सिंगर नूर जहां जी, यानी मलिका तरन्नुम जी को आज इनका जन्मदिन है। कहते हैं गाना गाते समय नूर जहां उसमें अपना दिल, आत्मा और दिमाग सब कुछ झोंक देती थी। हिंदी सिनेमा और सिनेमे के कई दिग्गज कलाकारों से उनका रूहानी लगाव था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की प्रसिद्ध सिंगर रही नूर जहां जी की सिर्फ आवाज का जादू ही नहीं बल्कि खूबसूरती से भी लोगों को दीवाना बना देती थी। अपने दौर की बेहद बोल्ड सिंगर मानी जाने वाली नूरजहां का जन्म 21 सितंबर आज ही के दिन 1926 को हुआ था। इनका असली नाम अल्लाह रखा वसाई था। करीब 7 दशक तक अपनी जादुई आवाज बिखेरने वाली नूरजहां बंटवारे के बाद भले ही पाकिस्तान चली गई, लेकिन अपना दिल यहीं भारत से अलग नहीं कर पाई। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर सिर्फ उनकी गायकी की मुरीद नहीं थी बल्कि दोनों का दोस्ताना भी बड़ा ही जबरदस्त था। अफसाने निगाहों की जुबां तक पहुंचे
अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुँचे, बात चल निकली है, बात चल निकली है, अब देखे कहाँ तक पहुँचे, जिनके अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुँचे, बात की बात में चांदनी रात में, बातें की बात में थी चांदनी रात में, दिया मेरा खो गया, एक टीका हो गया, पहली मुलाकात में थी, पहली मुलाकात में थी चांदनी रात में, बातें की बात में सितारों में एक सितारा रहा पाकिस्तान की मशहूर नूरजहां, जिन्होंने अपनी जिंदगी शर्तों पर जी। जी हां दोस्तों, मशहूर गायिका नूरजहां का नाम आज भी लोगों को याद है, भले ही वो आज हमारे बीच मौजूद ना हो, लेकिन फिर भी उनकी आवाज दुनिया में सदा अमर रहेगी। लगभग 7 दशकों तक जुड़ा नूरजहां ने अपनी मखमली आवाज से दुनिया पर राज किया, इसलिए उन्हें पाकिस्तान में मल्लिका तरन्नुम का खिताब मिला था। आज की इस कहानी में हम आपको नूरजहां के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि नूरजहां पहली पाकिस्तानी महिला फिल्म प्रोड्यूसर भी रही। इतना ही नहीं, उन्होंने न सिर्फ हिंदी में बल्कि उर्दू, सिंधी और पंजाबी जैसी भाषाओं में 10,000 से ज्यादा गाने गाए। नूरजहां की पहली हिंदी फिल्म साल 1942 में बनी, जिसका नाम खानदान था। इस फिल्म में बॉलीवुड के मशहूर एक्टर प्राण ने हीरो की भूमिका निभाई थी। खबरों की माने जब भी नूरजहां की गाड़ी कहीं से गुजरती थी तो नौजवानों की लाइनें लग जाया करती थी। उनकी गायकी के बारे में एक बात बड़ी मशहूर थी कि वो गाना रिकॉर्ड करते हुए अपनी पूरी जान झोंक देती थी। गाना रिकॉर्ड करते समय नूरजहां की पीठ पर घंटे भर के अंदर पसीने की बूंदें दिखाई देने लग जाती थी। कामयाबियों की बुलंदियों पर पहुंचकर भी नूरजहां ने हमेशा अपनी जिंदगी खुद की शर्तों पर जी। उन्होंने कड़ी मेहनत करके अपने लिए खास मुकाम हासिल किया था। नूरजहां ने अपनी जिंदगी में अच्छा और बुरा दोनों वक्त देखा, शादी भी देखी, तलाक भी देखा। एक बार नूरजहां और पाकिस्तानी क्रिकेटर नजर मोहम्मद के किस्से भी उस समय काफी मशहूर थे। Thank you.
कहते हैं कि जन्म के समय उनके रोने की आवाज सुन उनकी बुआ ने कहा, इस बच्चे के रोने में भी संगीत की लय है, यह आगे चलकर प्लेबैक सिंगर बनेगी। नूरजा के माता पिता थिएटर में काम करते थे, उनकी रुचि संगीत में भी थी। घर का माहौल संगीत में होने के कारण नूरजा का रुझान भी संगीत की ओर हो गया। वह गायिका बनने के सपने देखने लगी। उनकी माता ने नूरजा के मन में संगीत के प्रति बढ़ते रुझान को पहचान लिया और उन्हें इस राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया तथा उनके लिए संगीत सीखने की व्यवस्था घर पर ही कर दी। नूरजा ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा कज्जन बाई और शास्त्रीय संगीत की शिक्षा उस्ताद बड़े गुलाम अली खान से ली थी। वर्ष 1947 में भारत विभाजन के बाद नूरजा ने पाकिस्तान जाने का निश्चय कर लिया। फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार ने जब नूरजा से भारत में रहने की पेशकश की तो नूरजा ने कहा, जहाँ मैं पैदा हुई वहीं जाऊंगी। 1963 में उन्होंने अभिनय की दुनिया को अलविदा कह दिया। 1982 में इंडिया टॉकी के गोल्डन जुबली समारोह में उन्हें जब भारत आने का न्योता मिला तब श्रोताओं की मांग पर नूरजा जी ने आवाज दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है गीत पेश किया और उसके दर्द को हर दिल ने महसूस किया। 1930 में नूरजा को इंडियन पिक्चर के बैनर तले एक मूक हिंद फिल्म हिंद के तारे में काम करने का मौका मिला। इससे कुछ समय बाद उनका परिवार जब पंजाब से कलकत्ता आ गया, इस दौरान उन्हें करीब 11 मूक फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला। वर्ष 1931 तक नूरजा ने बतौर बाल कलाकार अपनी पहचान बना ली थी। वर्ष 1932 में प्रदर्शित फिल्म शशि पुन्नु नूरजा के सिने कैरियर की पहली टॉकी फिल्म थी। इस दौरान उन्होंने कोहिनूर यूनाइटेड आर्टिस्ट के बैनर तले भी कुछ फिल्मों में काम किया। कोलकाता में उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता पंचोली से हुई। पंचोली को नूरजा में फिल्म इंडस्ट्री का एक उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया और उन्होंने उसे अपनी नई फिल्म गुले पकावली के लिए चुन लिया। इस फिल्म के लिए नूरजा ने अपना पहला गाना साला जवानियां माने और पिंजरे दे विच रिकॉर्ड कराया। लगभग 3 वर्ष तक कोलकाता रहने के बाद नूरजा वापस लाहौर चली गई। वहाँ उनकी मुलाकात मशहूर संगीतकार जीत चिश्ती से हुई, जो स्टेज प्रोग्राम में संगीत दिया करते थे। उन्होंने नूरजा जी को स्टेज पर गाने की पेशकश की, जिसके एवज में उन्होंने नूरजा के प्रति गाने 7.5 आने दिए। 7.5 आने उन दिनों अच्छी खासी रकम मानी जाती थी। 1939 में निर्मित पंचोली की संगीत में फिल्म गुले बकावली फिल्म की सफलता के बाद नूरजा फिल्म इंडस्ट्री में सुर्खियों में आ गई और इसके बाद 1942 में पंचोली की निर्मित फिल्म खानदान की सफलता के बाद बतौर अभिनेत्री फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गई थी। खानदान में फिल्माया गाना कौन सी बदली में है मेरा चांद आ जा श्रोताओं के बीच काफी लोकप्रिय भी हुआ। 1943 में जुगनू और नौकर जैसी फिल्मों में अभिनय किया। नूरजा अपनी आवाज में नित्य नए प्रयोग किया करती थी। अपनी इन खूबियों की वजह से वह ठुमरी गायकी की महारानी कहलाने लगी थी। उस दौरान की दुहाई 1943 में दोस्त, 1944 में बड़ी माँ और विलेज गर्ल, 1945 जैसी कामयाब फिल्में प्रदर्शित हुई। इन फिल्मों में उनकी आवाज का जादू श्रोताओं के सिर पर चढ़कर बोला। इस तरह नूरजा मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री में मल्लिका तरन्नुम कहे जाने लगी। 1945 में नूरजा की एक और फिल्म जीनत भी प्रदर्शित हुई और इस फिल्म का एक कवाली आहे न भरी शिकवे न किए कुछ भी न जुबान से काम लिया श्रोताओं के बीच बहुत लोकप्रिय हुई। नूरजा को निर्माता निर्देशक महबूब खान की 1946 में प्रदर्शित अनमोल घड़ी में काम करने का मौका मिला। महान संगीतकार नौशाद के निर्देशन में उनके गाए गीत आवाज दे कहाँ है आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे जवां है मोहब्बत श्रोताओं के बीच आज भी लोकप्रिय है। 1952 में प्रदर्शित फिल्म दुपट्टा ने फिल्म चैनवे के बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इस फिल्म में नूरजा की आवाज में सजे गीत श्रोताओं के बीच इस कदर लोकप्रिय हुए कि न सिर्फ अपने पाकिस्तान में बल्कि पूरे भारत में भी इसने धूम मचा दी। ऑल इंडिया रेडियो से लेकर रेडियो सिलोन पर नूरजा की आवाज का जादू श्रोताओं पर छा गया। इस बीच नूरजा ने गुलनार 1953 में, फतेह खान 1955 में, लगते जिगर 1956 में, इंतजार 1956 में, अनारकली 1958 में, परदेसिया 1959 में, कोयल 1959 में और मिर्जा गालिब 1961 में जैसी फिल्मों में अभिनय से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। 1986 में प्रदर्शित एक पंजाबी फिल्म सखी बादशाह में नूरजा ने अपना अंतिम गाना की दमदा भरोसा गाया और अपने संपूर्ण फिल्मी करियर में लगभग 10,000 गाने उन्होंने गाए। तो कुछ विशेष बातें हैं कि नूरजा पहली पाकिस्तानी महिला फिल्म निर्माता रही।
नूरजा फिल्म निर्माता, गायिका, अभिनेत्री और म्यूजिक कंपोजर रही। नूरजा ने हिंदी, उर्दू, सिंधी, पंजाबी जैसी भाषाओं में कुल 10,000 से ज्यादा गाने गाए। 1945 में नूरजा ने फिल्म बड़ी माँ में लता मंगेशकर व आशा भोसले के साथ एक्टिंग की। 1945 में नूरजा की आवाज में दक्षिण एशिया में पहली बार किसी महिला की आवाज में कव्वाली रिकॉर्ड की गई, आहें न भरे शिकवे न किए। ये कव्वाली उन्होंने जोहराबाई अम्बाले वाली और अमीर भाई कर्नाटकी के साथ गाई। नूरजा ने 12 मूक फिल्मों में भी काम किया। नूरजा को मल्लिकाए तरन्नुम यानी क्वीन ऑफ मेलोडी से सम्मानित नवाजा गया। वे 1966 में पाकिस्तान सरकार द्वारा तमगा इम्तियाज सम्मान से नवाजी गयी। नूरजा की पहली हिंदी फिल्म 1942 में बनी खानदान थी। मान बनने के लिए बहुत मेहनत की थी और अपनी शर्तों पर जिंदगी को जिया था। उनकी जिंदगी में अच्छे मोड़ भी आए और बुरे भी। उन्होंने शादियां की, तलाक लिए, प्रेम संबंध बनाया, नाम कमाया। अपनी जिंदगी के अंतिम चरणों में बेअंतहा तकलीफ भी झेली। नूरजा और नजर मोहम्मद के किस्से आज भी मशहूर हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर नजर मोहम्मद का टेस्ट करियर वक्त से पहले नूरजा जी की वजह से खत्म हो गया। अपने करियर के शिखर पर पहुंचने के बावजूद भी नूरजा की मानवीय मूल्यों में आस्था कम नहीं हुई थी। लेखक एजाज गुल बताते हैं कि नूरजा अक्सर अपने घरों पर गानों का रिहर्सल किया करती थी। एक बार वे उनसे मिलने गए तो उन्होंने चाय मंगवाई। जब वो निसार को चाय दे रही थी तो उनकी कुछ बूंदे प्याली से छलक कर उनके जूतों पर गिर गयी। वो फौरन झुकी और अपनी साड़ी के पल्लू से उन्होंने गिरी हुई चाय की बूंदों को साफ किया। निसार ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन उन्होंने कहा, आप जैसे लोगों की वजह से ही मैं इस मुकाम तक पहुंचे हूं। बीबीसी के मुताबिक जब 1998 में नूरजा जी को दिल का दौरा पड़ा तो उनके एक मुरीद और नामी पाकिस्तानी पत्रकार खालिद हसन ने लिखा था कि दिल का दौरा तो उन्हें पड़ना ही था। पता नहीं कितने वो दावेदार थे उसके और पता नहीं कितनी बार वह धड़का था उन लोगों के लिए जिन पर मुस्कुराने की इनायत की थी उन्होंने। तो दोस्तों,
ये थी मशहूर गायिका मल्लिका तरन्नुम नूरजहां जी के बारे में आज के दिन की। मेरी पूरी एडमिन टीम की तरफ से, पूरे इंटरनेशनल टैलेंट हंट परिवार की तरफ से उनको जन्मदिन पर शत शत नमन।